अस्सलाम वालेकुम पीके बसेस से, मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फराबाद में। ये जो बस आप देख रहे हैं ये न्यू हबीब खान की बस है। इसका जो रूट है वो है मुजफ्फराबाद से लाहौर का। तो ये जो बस है ये डेवो की बस है, कोरियन डेवो जो ओरिजिनल होती है ये वही बस है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये सीट्स हैं इसकी 2x2 की रो में सीट्स हैं। बाकी ये इसका हैंड रखने के लिए है, बेल्ट वगैरह मौजूद हैं। नीचे दिखाएं ज़रा, यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह मौजूद है और बाकी जो है। अच्छा जी, और उसके अलावा जो है ये ऊपर लाइट्स वगैरह हैं, लगेज के लिए जगह है, कोई सामान वगैरह आप रखना है वो रख सकते हैं। एंड पे भी सीट्स हैं, दो दो सीट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो किराया है मुजफ्फराबाद से लाहौर का वो है 2300 रुपये, और रात को 9:45 से ये मुजफ्फराबाद से डिपार्चर होती है। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। बाकी सीट के बारे में आपको बता दूँ, ये सीट है काफ़ी, ये बटन लगा हुआ है, इसको आप दबाएं तो ये आप इसको पीछे कर सकते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल खुली सीट्स हैं। जो डेवो की जो बसेस आती थी पहले उनमें ये सीट्स होती थी, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं और लेग स्पेस भी काफ़ी है। ये पाँव रखने के लिए जगह भी है, ग्लास होल्डर भी है, पॉकेट भी है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे पकड़ के बैठ सकते हैं। ये अब वाली बसेस में तो नहीं आ रहा, पहले डेवो में ही मौजूद होता है। बाकी यहाँ पे जो है इसके लाइट्स हैं और एसी के पॉइंट्स हैं। ये सामने एक बड़ी एलसीडी है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्रिज मौजूद है, ये इसका डैशबोर्ड है, कंट्रोल्स वगैरह इसके सारे यहाँ पे मौजूद है। ऊपर मल्टी कलर की लाइट्स मौजूद हैं, दरमियान में भी एक एलसीडी मौजूद है और एक फ्रंट पे है, बाकी वो एंड पे भी एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। कर्टन्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, एमरजेंसी डोर, ये इसका एमरजेंसी डोर है। ये इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ पे और भी बसेस जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे सिटीज़ के लिए बसेस अवेलेबल हो जाती हैं। ये इनका मेन टर्मिनल है मुजफ्फराबाद का। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।